काशफ जबीर है और ये फ्रॉडिया है। इसके ऊपर पहले भी काफी सारे मुकदमात दर्ज हैं फ्रॉड के, और ये लोगों को जो है ना चीटिंग करता है, जाली चेक देता है अपने गले में, ये जाली तमाम सोना जाली है, इन्होंने ये रखा हुआ है अपने गले में डाल के, ये लोगों से फ्रॉड करता है और टिकटॉक भी बनाता है, उस पर लोड कर देता है, जो लोग इम्प्रेस होके इसके साथ कॉन्टेक्ट करते हैं ये फिर उसके साथ फ्रॉड करता है। अभी रिसेंटली इसने पाकिस्तान के इमेज को खराब किया है और इसने अपने हमसाया मुल्क है वहां से अर्तुगरुल को बुला के, वो उनका कौमी हीरो है, तो उसके साथ इतनी ज्यादती की है कि उसको बुला के यहां पे इसने उसको पैसे नहीं दिए और उनसे कुछ काम करवाना चाहता था शोबिज का ही, तो वो वापस चले गए। फिर उसकी कंप्लेन अभी आई है, अभी मसूल हुई है जनाब आईजी साहब पंजाब को, तो फौरी आईजी साहब पंजाब ने सीसीपी साहब को कहकर उसकी एफआईआर लॉन्च करवाई है, वो एफआईआर भी लॉन्च है। तो आज एफआईआर लॉन्च करने के बाद जब मैं इसको अरेस्ट करने के लिए इसके घर गया हूं, तो वहां से एक नया इंकशाफ हुआ है कि इससे एक होंडा गाड़ी पकड़ी गई है, जो गाड़ी के ऊपर इसने ब्लू रंग की जो है वो लगाई हुई थी लाइट और ग्रीन प्लेटें लगाई हुई थी। तो जब पूछा तो ये उसके कोई मकबूल जवाब नहीं दे सका, तो मैंने उस पर भी इसकी कार्रवाई की है कि ये गाड़ी यूज कर रहा था ग्रीन प्लेट लगा के, और इस तरह करके ये शोकाबाद आदमी है जिसकी वजह से मुआशरा खराब हो रहा है, नए बच्चे इससे मुतासर होकर इस तरह का जाली सोना पहनकर अजीब जीव हरकतें कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और मेरी सबसे गुजारिश है कि इस फ्रॉडिये से बचें और इसके साथ इस तरह का जो भी किसी के साथ ये कॉन्टेक्ट करता है तो काइंडली अपनी रकम अपने पैसे चेक इससे बचाएं। ये शोबाज है, फ्रॉडिया है, लोगों को जाली चेक दे के उनसे ये पैसे ले लेता है। तो अभी इसके खिलाफ दो एफआईआर लॉन्च की हैं, तो ये कोर्ट में हम लेके इसको जा रहे हैं, कोर्ट इसका डिसाइड करेगी और इसको हम चाहते हैं कि इसको सख्त से सख्त जो है वो सजा मिले, क्योंकि इसने पाकिस्तान के इमेज को भी खराब करने की कोशिश की है। थैंक यू।